बीजेपी का आरोप है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तब से लालटेन युग की वापसी हो गई। बीजेपी के इन आरोपों पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बीजेपी नेताओं को जुमलेबाज करार देते हुए कहा कि मोदी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी राज में लाइट नहीं रहती थी, हमने तो 100 दिन में ही बहुत काम कर दिया है। बीजेपी के आरोप पर ऊर्जा मंत्री से बात की विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। कांग्रेस सरकार के मंत्री अपने 100 दिन का ब्यौरा पेश कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह जी हमारे साथ। सर, 100 दिन में बहुत से काम किए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो प्रमुख काम आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार 15 साल में नहीं कर पाई, जो आपने 100 दिन में कर दिया? देखिए, हम लोगों ने बातें कम करी हैं और काम ज़्यादा किया है। हम लोगों का फोकस उस जगह रहा है जहाँ पर पिछली सरकारें फेल रही हैं, खासकर ट्रांसफार्मर बदलने के मामले में, विद्युत उत्पादन के मामले में, गरीबों को राहत पहुंचाने के मामले में, गरीब उपभोक्ताओं को सुविधा दिलाने के मामले में। तो ये इन सब चीज़ों को हमने लक्ष्य के साथ काम किया है और यही हमारा प्राथमिकता हमेशा रहेंगी। सर, गलत बिल की बहुत सी शिकायतें आती थी और जो कस्टमर होता थक जाता था जाके बिजली दफ्तरों के चक्कर लगा के अधिकारियों के, तो उसको लेकर भी आपने काम किया? देखिए, इसके लेकर हमने DC स्तर पर समितियों का गठन किया है। 2 महीनों में ये सारा काम हुआ है, तो 47 जिलों में समितियाँ गठित हुई हैं। 5 जिले मध्य प्रदेश के अभी भी रह गए हैं, उनमें भी हम इन बिजली मतलब बिल देयक समितियों का गठन करेंगे। साथ साथ जहां गठित हो गई है वहां MCC के कारण कई जगहों पर बैठक नहीं हो पाई है, तो MCC के बाद बैठक होगी और समितियां इन बिलों का निराकरण करेंगे। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि लालटेन युग की शुरुआत हो गई, अघोषित बिजली कटौती हो रही है, कभी भी लाइट चली जाती है। देखिए, ये लालटेन युग का जुमला वही है जो 15 लाख का जुमला था। ना तो लालटेन युग की शुरुआत हुई है और ना 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आए हैं। भाजपा पहले अपने जुमलों का जवाब दे दे, फिर दूसरों पर आरोप लगाए। सर, हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मतलब साफ कहा कि जुमलों की बात कर रहे हैं, लालटेन युग की शुरुआत नहीं, बिजली आ रही है, हर घर में आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ वैभव गुप्ता, अनादि TV, भोपाल।